ये मेरी मम्मा है, ये मम्मा कहीं नहीं जा सकती। अच्छा। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है यार? पब्लिक प्लेस में ना ब्लॉग करते बड़ा शर्म सी लगती है, पर शर्म को धोना पड़ेगा ब्लॉग करने के लिए। क्या पता तुम हिडन टैलेंट हो, कमरे में जाके अकेले ट्राइपॉड के सामने मम्मी का कोई चैनल हो। सुना सुना है जहाँ, अब जाऊँ मैं कहाँ। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं ना शॉपिंग करने के लिए। क्यों शॉपिंग करने जा रहे हैं? क्योंकि सिया का करना है हमें अन्नप्राशन। जी हाँ, अन्नप्राशन अब इनका करना है। ये 6 महीने की होने वाली है 11 तारीख को, तो 12 दिसंबर को इनका अन्नप्राशन होगा। तो उसके लिए ना कुछ सजावट के सामान और इनको जो ड्रेस पहनाना है वो तो डिसाइडेड है। अगर मान लिया उसके अलावा भी कोई एक ड्रेस मिल गया ना ऑप्शन में तो वो भी ले लूंगी। साथ ही साथ में ठंड अब शुरू हो गई ना, तो ठंड में नीचे कुछ पहनाने के लिए उस ड्रेस के चाहिए, तो हम लोग उसके सर्च में जा रहे हैं। मैं, हबी जी और अभी मम्मी को भी रास्ते से ले लेंगे, तो हम लोग इतने लोग जा रहे हैं। सो चलिए अब सीधे चलते हैं और आगे देखते क्या हो रहा है। कैसा लग रहा है गुम्मी करके? हेलो हेलो हेलो। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? थोड़ा इधर देख लीजिए, कितने अच्छे से हाथ पे हाथ रखी हैं कि ये मेरी मम्मा है, ये मम्मा कहीं नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, रख लो रख लो रख लो, उठा के दिखा रही है। ये मेरा क्यूटू। तू मेरे क्यूटू है, तू मेरा बच्चू है, मेरा बाबू है। नहीं बोलना क्योंकि सब देखना है बाहर कौन है क्या है, कौन बाइक से जा रहा है कौन आ रहा है, सब देखना है। जहाँ पे तुम्हें और मम्मी को उतारा था मैं सामान वामान लेने के लिए, हाँ। वहाँ लगभग सारे सामान मिल जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, वही ग्रुप ऑफ दुकान ही है वहाँ पे। वहीं से क्या दुपट्टा हुआ देखते हुए जो बाहर नहीं निकल गई थी, हाँ। और फिर जिधर भैया के साथ में और भाभी थी तो हम लोग वो कुछ खाने के लिए गए थे रात में, क्या था तो उसी जस्ट सामने ऊपर में एक रेस्टोरेंट है वो भी देखते हैं। वो तो खैर लास्ट में है, पहले सारा सामान मिल जाए उसके बाद फिर देख लेंगे। मम्मी भी आ गई है अब हमारे साथ में और अब हम चल रहे हैं शॉपिंग। इनको लेना मैंडेटरी रहता है, थोड़ा सा करवा देती है शॉपिंग। यार बच्चा संभाल लेती है, मैं कर लेती हूँ। तो ये लेंगी और हम लोग दौड़ दौड़ के शॉपिंग करेंगे। तुम्हारी मम्मी का नाना, उनके मामा नाना पे गया है और तुम्हारा अपने नाना पे गया है, सब नाना वाले ही हो जाएंगे। है? मेरा नाक तो इतना नुकीला है कि चुभ जाए। इनका नाक किस पे गया है? नाना पे। अच्छा, बाबू जी का नाक एकदम एकदम बाबा जी। आप तो अगर नाक नाना पे जाए तो भाग्यशाली होते हैं क्या बच्चे? होते हैं। अरे होते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ क्या मम्मी? कौन सा तुम्हारा क्या बुरा है? वैसे अच्छा तो सब कुछ है। मामी खा रही है ना, बड़ी वाली मामी खा थी ने गुड़िया, बरसा जितना करिया रही इतना सुंदर हो गई। मैं वाकई में काली थी। मैं काली क्या मतलब, बहुत सांवली थी, रंग मेरा दबा हुआ था और धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे अपने आप रंग खिलता गया। सब छोटे छोटे बड़े प्यारे लगते मुझे बकरी के बच्चे। जानती हूँ मम्मी, गांव में अगर कहीं मान लिया बाबू, मम्मी मम्मी अगर बहनी सो रही होती है ना घर में और हम लोग हॉल में हैं, तो मान लिया अगर कहीं बकरी बोल दी और सुनाई दे दिया तो सब चिल्लाने लगते हैं कि बहनी रो रही है, बहनी रो रही, जल्दी जा सिया रो रही है। सिया उधर देखो, मम्मा आई बर्फीले, चिया की मम्मा वीडियो बनाती है भाई। एक दिन छोटी पूछ रही है, बुआ आप भी रील बनाती थी? कली कौन कह दिया भैया हम रील बनाते? हम क्या रील बनाते? नहीं कह रही है, कोई कहा है कि आप रील बनाती?
हाँ क्या पता तुम हिडन टैलेंट हो कमरे में जाके अकेले ट्राइपॉड के सामने। मम्मी का कोई चैनल आपका भी चैनल उस पे कर रही है दूर तुझसे बता क्या करूँ क्या करूँ सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ इतना मुझे समझा जा। सिया सिया मेरा बच्चा जो मैं ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिला, पर ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग हो चुकी है। और अब यार पब्लिक प्लेस में ना व्लॉग करते बड़ा शर्म सी लगती है, पर शर्म को धोना पड़ेगा व्लॉग करने के लिए। तो अब हम लोग ना यहाँ से टमटम करेंगे, टमटम मतलब ऑटो छोटी वाली बैटरी वाली, और बेकरी तक जाएंगे। बेकरी पे कुछ डेकोरेशन का सामान लेना है, तो डेकोरेशन का सामान ले करके फिर घर जाएंगे। और पानी पूरी भी लेना है मम्मी के लिए, मुझे फ़ोन की थी वो, बोली पानी पूरी लेके आना मेरे लिए, तो वो भी लेना है। मेरी सिया पहली बार टमटम ऑटो में बैठी और कितनी खुश है दिखाती है। कितनी खुश है ये लड़की, तू कितनी खुश है टमटम ऑटो में बैठ के, बहुत मजा आ रहा है टमटम ऑटो में बैठ के भाई। उधर खड़ा किए होंगे, आगे बोल रहे हैं आ जाओ।